सब्सक्राइब कीजिए ओमजी एक्सप्लोरर को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए, और यह है बिल्कुल फ्री। क्या सलमान दे रहे हैं आसिम रियाज को अपनी आने वाली किसी फिल्म में जगह? तो जी हाँ गाइस, सलमान और आसिम रियाज को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है, और वो ये है कि सलमान खान और आसिम रियाज के बीच चलती हुई बात में कुछ ऐसा लगा जिसकी वजह से शायद आसिम रियाज सलमान खान के साथ उनकी आने वाली किसी फिल्म को साइन कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी बात और क्या सलमान खान बनाने वाले हैं आसिम रियाज को एक फेमस मॉडल से एक पॉपुलर स्टार। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओमर जी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिखाए रेड कलर के बटन को टच करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाद में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो गाइस, सलमान खान वीकेंड के बार पर आसिम रियाज से बात कर रहे थे, ये सीन है अनकट का। तो वहाँ पर जब सलमान खान आसिम रियाज से उनके आगे के फ्यूचर के बारे में पूछते हैं, या फिर उनसे पूछते हैं डायरेक्टली कि बिग बॉस से निकलने के बाद आसिम रियाज आप क्या करने वाले हैं, तो ऐसे में आसिम रियाज का एक बहुत ही बढ़िया आंसर था, और उन्होंने आंसर दिया कि इसके बाद तो लाइफ मेरे को जहाँ भी ले जाने वाली है मैं वहाँ जाऊँगा। इनफैक्ट पहले से ही मेरे करियर्स पहले से सेट हैं, मैं क्या कर रहा था मैं उसी में आगे बढ़ने वाला हूँ, और अगर फाइनल की बात करूँ तो फिर वो तो आपको पता ही है। तो ऐसे में सलमान खान बोलते हैं कि शायद तुम अपने वादे को अभी भी याद रखे हो, और इसके बाद उन्होंने अपनी बातचीत को बंद कर दिया। तो ऐसे में सलमान खान से किया हुआ वादा ऐसा क्या है जो आसिम रियाज ने किया है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो सलमान खान और आसिम रियाज के बीच की ही है? तो वो ज़रूर कोई फिल्म हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसा शो हो सकता है जो सलमान खान की तरफ से आने वाला है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आने वाला है। तो हो सकता है कि सलमान खान की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी में सलमान खान के साथ आपको आसिम रियाज दिखे, या फिर हो सकता है कि सलमान खान द्वारा बनाई गई किसी फिल्म में आपको आसिम रियाज दिखे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और आप क्या सोचते हो कि कौन जीतने वाला है इस बार का बिग बॉस 13 मुझे कमेंट करके बताना। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।